हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि भाई वो मेरे लिए कर रहा है। वो अपनी एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के लिए करता है जी। तो हमारा यही रहा है कि भाई हमारा देश सामर्थ्यवान होना चाहिए, शक्तिवान होना चाहिए। आज विश्व स्पर्धा का युग है। कोई एक जमाना था जब विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये कैंप वो कैंप, या तो आप यहां रहिए आप वहां रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो हम न्यूट्रल है, लेकिन मामला तो वही था। आज विश्व इंटरडिपेंडेंट हो गया है, किसी के साथ 10 मुद्दों पर विवाद होगा तो 4 मुद्दों पर सहमति होगी, 4 मुद्दों पर चलते होंगे, 10 मुद्दों पर चलने के लिए सोचते होंगे, ये स्थिति है। ऐसे समय में भारत ने अपने मूलभूत चिंतन के आधार पर विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना समय की मांग है, और उस मांग को पूरा करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने कर्तव्य बोध के साथ, संकल्प के साथ उसकी परिपूर्ति के लिए प्रयास अविरत रूप से करना अनिवार्य हो गया है। पंडित जी के पूरे चिंतन में गरीब उनके केंद्र बिंदु में था। वे किसी आर्थिक व्यवस्था से ऊपर से नीचे की तरफ जाने के पक्षकार नहीं थे। वो हर दिन कहते थे अर्थव्यवस्थाओं की रचना नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, हमारी सारी योजनाओं के केंद्र में वही होना चाहिए और उसका कल्याण यही हमारे केंद्र में होना चाहिए, और तभी जाकर के हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। ये ठीक है कि ये अंतर्द्वंद चलता रहेगा, जिसको कुछ मिला है उसकी अधिक पाने की आस ज्यादा जगी है, लेकिन जिसको कुछ नहीं मिला है जब तक उसको मिलेगा नहीं, ये मध्यम स्थान पर खड़े हुए लोग जो अधिक पाने की आश करते हैं वहां रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। उनको भी आगे जाना है तो नीचे को ऊपर लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के जो ऊपर है वो भी ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। और इसलिए हमारे विकास यात्रा के सारे प्रवाह हमें उस दिशा में ले जाने हैं जहां पर हम गरीब को एम्पावर करें, उसका सशक्तिकरण करें, और गरीब ही हमारी गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा फौजी बन जाए, हम सभी मिलकर के गरीबी से मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर पाए। और पंडित जी के जो सपने हैं, और जब ये शताब्दी वर्ष है तो भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में उसको मनाना तय किया है, और इसके कारण सरकार के सभी विभाग, सरकार के सभी निर्णय इस बात को भूल नहीं सकते अब कि भई ये गरीब कल्याण वर्ष है, आपके विचार काम कार्यक्रम में गरीब कहाँ है बताओ। पूरी सरकार की सोच बदलने के लिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती वर्ष सभी लोगों को गरीब केंद्रित योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करने वाला एक शुभ अवसर के रूप में हमने इसको मनाया है। समाज में हर प्रकार का सामर्थ्य पैदा हो, पंडित जी एक सप्त जाह्नवी की चर्चा करते थे अपनी बातों में, और वो कहते थे सप्त गंगा, वो कहते थे भारत के वैभव के लिए 7 आदर्श की वो वकालत करते थे। उन 7 आदर्शों में वो कहते थे एक रास्ता, कर्मठता, समानता, संपन्नता, ज्ञान, सुख, शांति।
इन सप्त धाराओं से हम भारत को वैभवी बना सकते हैं। कर्मठता हम छोड़ नहीं सकते, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है और यही उसकी खूबसूरती है। हम भाग्यवान हैं कि 100 से ज्यादा भाषाएं हो, 1700 से ज्यादा बोलियां हो, दुनिया का हर संप्रदाय यहां मौजूद हो। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। इस देश की ये बहुत बड़ी अमानत है। और एक रस समाज, यही तो पंडित जी का सपना था, जहां मनमुटाव न हो, भेदभाव न हो, शोषण की कल्पना तक न हो। ऐसे समाज की कल्पना लेकर के ही हम सबको अपना राजनीतिक चिंतन और वही राष्ट्रभक्ति है, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। कोई कल्पना कर सकता है? मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने सुना है गुजरात में उस समय शायद एक स्वतंत्र पक्ष बना था, और पक्ष का मतलब उन्होंने किया था प फॉर पटेल, क्ष फॉर क्षत्रिय, ऐसा करके। और बड़े बड़े राज परिवार के लोग उसका नेतृत्व करते थे। बसाणी साहब जैसे बड़े नेता लोग थे। तो गुजरात में जनसंघ नाम की एक इकाई चलती थी, तो उनके साथ चुनाव समझौते के लिए मीटिंग होती थी। तो पहले तो मीटिंग यानी कोई पहचानते नहीं थे जनसंघ के कार्यकर्ताओं के, तो कभी नाम अखबार में नहीं आया, दीवार कभी फोटो न छपी हो तो उनको कौन पहचानेगा। लेकिन वो मीटिंग में जाते थे, तो उस समय गुजरात में एक भाई काका करके स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। तो जनसंघ के लोगों ने कहा कि हम चुनाव में आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, हमें इतनी सीटें दो, हम लड़ेंगे आपके साथ। तो हंस पड़े। उन्होंने जनसंघ के नेताओं के सामने कहा, क्या दीवारों पर दीपक पेंट करने से चुनाव जीत जाओगे क्या? ऐसा मजाक उड़ाया था। यानी उस समय हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन ये दीनदयाल जी का सामर्थ्य देखिए। जब तक विजय का विश्वास ना हो, और वो एक जमाना था जनसंघ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे तो जिसकी जमानत बच जाए उन पैसों से पार्टी करते थे, महफिल मनाते थे। ये विचार के प्रति प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं है। पराजय में भी एकाध की अगर जमानत बच जाए तो उन पैसों से सब मिलकर के महफिल मनाएं, अपने विचार के प्रति कितनी अद्भुत श्रद्धा होगी, तब ये मिजाज बनता है। और इसका मूल कारण था, पंडित जी कहते थे, उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहा था, विजय का विश्वास है, तपस्या का निश्चय लेकर के चले। आज भी पंडित जी के वो शब्द हमारे लिए उतना ही मायना रखते हैं। विजय का विश्वास है, लेकिन तपस्या में कमी नहीं आनी चाहिए। पंडित जी ने कहा था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये जो पंडित जी ने हमें सिखाया है वो आज भी उतना ही सार्थक है, उसे लेकर के हमें चलना है। मैं फिर एक बार पंडित जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस महान विचार यात्रा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करें, माँ भारती की सेवा करने का हमें जहां भी जो भी अवसर मिले, हमारा अपना खुद का सब कुछ इस माँ भारती के गरीब से गरीब के कल्याण के लिए खपा दे, इसी एक द्वारा इस शताब्दी के पर्व को हम मनाएं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीनदयाल दर्शन अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे।
विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव थे, बता रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिलने का उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन वो जिस तरीके के विचारक थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, 50 साल लगभग वो जिए, लेकिन इन 50 सालों में ही वो बड़े 15 अध्याय का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज किताब में भी